नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं रीजनिंग में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हर एक मंडे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पे शो होने लगे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता है कि एक निश्चित कोड भाषा में जॉब रिक्वायरिस एक्सरटाइज को LANUSI लिखा जाता है, एक्सरटाइज इन एरिया को LIBOLA लिखा जाता है तथा रिक्वायरिस एरिया इंस्पेक्शन को SIDMBO लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में इंस्पेक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा? SVIPO 2017 में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन है दोस्तों कि जॉब रिक्वायरिस एक्सपर्टाइज को LANUSI लिखा जाता है। फिर कहता है तो एक्सपर्टाइज एक्सपर्टाइज इन एरिया को LIBOLA लिखा जाता है, रिक्वायरिस एरिया इंस्पेक्शन को SIDM लिखा जाता है, SIDMBO लिखा जाता है। क्वेश्चन कहता है इंस्पेक्शन का कोड क्या है, दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जिस शब्द का कोड पूछे, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दूं, इक्वेशन नंबर 2 डाल दूं, इक्वेशन नंबर 3 डाल दूं, जिस शब्द का कोड पूछे दोस्तों उसी शब्द को हमें देखना है कि वो शब्द किस इक्वेशन नंबर सेट किया गया है। बस इस चीज को हमें देखना है कायदे से, यानी इंस्पेक्शन का कोड पूछा जा रहा है तो हमें देखना है कि इंस्पेक्शन जो शब्द है वो किस इक्वेशन में है। दोस्तों इंस्पेक्शन शब्द है जो इक्वेशन नंबर 3 में है, 3 में है। अब इसको छोड़ करके बाकी इसके अगल बगल में जितने भी शब्द बचे उनको हमें देखना है। तो सबसे पहले इधर भी बच सकते हैं कभी कभार, या इधर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरिस देखना है, रिक्वायरिस जो शब्द है वो इक्वेशन नंबर 3 में है और उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में है। यानी रिक्वायरिस जो शब्द है इक्वेशन नंबर 3 और 1 में मैच हो रहा है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, उसी टाइप से हमें राइट हैंड साइड में एक ऐसा शब्द देखना है जो इक्वेशन नंबर 3 और 1 में हो। तो अगर हम देखें दोस्तों हमें यहाँ पर मिल रहा है SI, क्या मिल रहा है SI। उसके बाद बचता है दोस्तों यहाँ पर एरिया। तो अगर दोस्तों यहाँ पर हालांकि इंस्पेक्शन का तो हम कोड निकाल ही रहे, लेकिन अगर पेपर में कभी ये कह दे कि रिक्वायरिस का कोड बताइए तो आप कह सकते हैं इसका कोड क्या हो गया हमारा SI। ये फर्स्ट आंसर, इसका तो हम निकालेंगे, बता रहे दोस्तों आपको, पेपर नहीं यहाँ पर है। उसके बाद एरिया, एरिया जो वर्ड है वो इक्वेशन नंबर 3 में है, उसके बाद एरिया वर्ड इक्वेशन नंबर 2 में है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी हमें एक ऐसा वर्ड देखना है जो इक्वेशन नंबर 3 और 2 में हो, तो दोस्तों वो है BO। क्या है? BO। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एरिया किसको रिनोट करेगा, एरिया का कोड क्या, तो आप बता देंगे BO। अब जो बचा है इंस्पेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बचा है DM, तो जाहिर सी बात है कि इंस्पेक्शन का जो कोड होगा वो दोस्तों DM होगा। क्या होगा? DM। यही हमारा आंसर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि किसी कोड भाषा में 125 इज इक्वल टू गो टू स्कूल, 146 इज इक्वल टू स्टडी इन स्कूल और 135 इज इक्वल टू रन टू स्कूल। तो रन के लिए किस अंक का प्रयोग किया गया है? यहां से देखना दोस्तों, बहुत ईजी है। 125
थोड़ा गैप करके यहाँ पर लिखना 125 इज इक्वल टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। उसके बाद कहता है कि 146 इज इक्वल टू स्टडी इन स्कूल। 135 इज इक्वल टू रन टू स्कूल। अब क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों कि रन का कोड क्या है। अगर क्वेश्चन नंबर ये, इसे वन कह दूँ, इसे टू कह दूँ, इसे थ्री कह दूँ। फिर वही बात देखना है दोस्तों, जिसका कोड पूछा जाए वही शब्द हमें देखना है कि वो शब्द किस इक्वेशन में मेंशन किया गया है, यहाँ पर देखना है। तो रन जो शब्द है दोस्तों वो इक्वेशन नंबर तीन में मेंशन किया गया है। रन को छोड़ करके बाकी इसके अगल बगल में जितने भी शब्द बच रहे हैं उनको देखना है। इसके बाद दोस्तों बचा है टू। अब टू जो है वर्ड वो इक्वेशन नंबर तीन में है, उसके बाद इक्वेशन नंबर वन में है, यानी टू वर्ड इक्वेशन नंबर तीन में और वन में शिफ्ट है। तो जो कि राइट हैंड साइड में है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसा डिजिट देखना है जो इक्वेशन नंबर तीन में हो और वन में हो। तो हमें दिख रहा है कि फाइव इक्वेशन नंबर तीन में है और वन में है। इसका मतलब दोस्तों टू का कोड हुआ फाइव। उसके बाद स्कूल, स्कूल इक्वेशन नंबर तीन में है, दो में है, एक में है। तो यहाँ पर भी दोस्तों इक्वेशन नंबर एक में वन, दो में वन, तीन में वन, यानी स्कूल वन को इंडिकेट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है रन किसको शो करेगा, थ्री को। यानी दोस्तों रन का कोड क्या होगा, थ्री। यही हमारा आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि फाइंड ए गुड होम को कोड भाषा में DNCOHERH लिखा जाता है। कैरेटी बिगिंस एट होम को कोड भाषा में RHNAEK ऐसे लिखा जाता है। फाइंड गुड कैरेटी स्टोर को कोड भाषा में NADNHEKU लिखा जाता है। ए स्टोर एट स्टेशन को कोड भाषा में COEKKUJD लिखा जाता है। तो जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर देना दोस्तों, तो ध्यान से देखना। कहता है फाइंड ए गुड होम को लिखा जाता है DNCOHERH। उसके बाद कहता है कैराइटी बिगिंस एट होम, इसको लिखा जाता है RHNAEKSA। उसके बाद कहता है कि फाइंड गुड कैराइटी स्टोर को लिखा जाता है NADNHEKU। उसके बाद कहता है ए स्टोर एट स्टेशन को लिखा जाता है COEKUJD। तो पहले क्वेश्चन में दोस्तों कहता है कि जेड का कोड क्या है। दोस्तों हमें सबसे पहले जेड का कोड देखना है, और हम आपको फंडा बता चुके हैं जिस शब्द का कोड पूछा जाए उस शब्द को हमें देखना है कि वो शब्द किस इक्वेशन नंबर में मेंशन किया गया है। तो अगर दोस्तों हम इसे इक्वेशन नंबर एक कह दें, ये टू कह दें, इसे थ्री कह दें और इसे फोर कह दें, तो जेड जो है दोस्तों इक्वेशन नंबर
चार में मेंशन किया गया है। तो इक्वेशन नंबर चार के राइट हैंड साइड में जितने भी शब्द हैं जेड को छोड़ करके उनको हमें देखना है। तो सबसे पहले हम अगर सीओ को देखें तो सीओ जो है दोस्तों वो इक्वेशन नंबर चार में है, उसके बाद इक्वेशन नंबर एक में है। तो हम कह सकते हैं कि सीओ जो है उसका कोड हमारा हो जाएगा उसी टाइप से। अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड को देखें को तो इक्वेशन नंबर चार और एक में एक शब्द मैच करेगा 100%। वो शब्द क्या है जरा ध्यान से देखना। इसको अगर देखूं, ए स्टोर एट स्टेशन फाइंड ए गुड होम, यानी ए, तो सीओ का कोड हो गया दोस्तों ए। उसके बाद दोस्तों बचता है ई के, क्या बचता है ई के। अब ई के जो बचा है वो ई के किस किस इक्वेशन में है, चार में है और दो में है। तो उसी टाइप से लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसा शब्द देखना है जो इक्वेशन नंबर चार में हो और दो में हो। तो ये तो क्लियर हो चुका है, स्टोर एट स्टेशन, कैरेटी बिगिंस एट होम, यानी एट जो है वो इक्वेशन नंबर चार में है और दो में है। इसका मतलब कि ई के का जो कोड है या ई के जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एट। उसके बाद दोस्तों बचता है के यू, के यू देखना है। तो के यू इक्वेशन नंबर फोर में है, इक्वेशन नंबर थ्री में है, उसके बाद नहीं है। तो हमें एक ऐसा इधर वर्ड देखना है जो इक्वेशन नंबर फोर में हो और इक्वेशन नंबर थ्री में हो, लेफ्ट हैंड साइड में देखना है। तो के यू सॉरी फोर में हो और थ्री में हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों स्टोर, स्टोर इक्वेशन नंबर फोर में है और थ्री में है। एंड दोस्तों स्टोर का जो कोड हुआ के यू हुआ। अब जो बचा है जे डी वो दोस्तों करेगा किसको इंडिकेट, स्टेशन को, किसको स्टेशन को। यानी दोस्तों जे डी का जो कोड होगा वो क्या होगा, स्टेशन, क्या होगा दोस्तों स्टेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी में कहता है कि स्टोर के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है, स्टोर के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों लगाने की कोई बात ही नहीं, हम पहले ही लगा चुके हैं, धीरे धीरे ऐसे आप लगाते चलना। स्टोर के लिए के यू का प्रयोग किया गया है, किसका दोस्तों के यू का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दी गई कोड भाषा में ई के शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ई के जो शब्द है दोस्तों वो एट के लिए प्रयोग किया गया, किसके लिए, एट के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अनथर्डी से लाइक कर देना। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन और भी हम लेके आएंगे और 100% आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में एंट्री करा देंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि दोस्तों हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक्स दोस्तों।